सच कहूं तो जिस कंपटीशन में मैंने एक जमाने में कभी हिस्सा लिया था और जिस कंपटीशन में मैंने 2-3 साल तक लोगों की वर्कशॉप ली थी, आज मुझे उससे ज्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि सच में ये एक मॉडलिंग कंपटीशन तो नहीं था। ये कंपटीशन असल में खुद से लड़ाई का था। हम सब एक दायरे में बनी बनाई जिंदगियों में शर्मो हया में झिझक में जीते हैं, लेकिन बाहर हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत खुल के मस्ती से आनंद से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हर इंसान की अपने अंदर की लड़ाई है कि हम होना क्या चाहते हैं और होके क्या रह गए। तो ये कंपटीशन इंसान का खुद से है। मैं आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको देख के मैं बहुत खुश हुआ। अगर आप लोगों के वीडियोस अलग अलग लोग देखेंगे अपने अपने तरीके से, तो हो सकता है कि मैं अगर उनसे वोटिंग को कहूं तो वो वोटिंग जो है वो किसी की खूबसूरती देख के, किसी के कपड़े देख के, किसी की कोई अच्छे गाने को देख के करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी लोग मुझे जानते हैं और जो भी इस कंपटीशन में मैं कह रहा हूं कि लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए अपना वोट करें, वो एक नजरिए को देखें, सिर्फ एक नजरिया देखना। और वो नजरिया है कि पहले दिन जब बिना किसी ट्रेनिंग के ये रैंप पे आए थे और अपना इंट्रो दिया था, उस वक्त के इनके व्यक्तित्व में और 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनके व्यक्तित्व में क्या अंतर आया। रियल जजमेंट वहां से है। मैं कोई जज नहीं हूं और मेरा खुद का काम भी किसी को जज करना नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ आप लोगों के अंदर एक छुपा हुआ शशांक जो है उसे निकालने के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि मैं थोड़ा सा इगोइस्टिक आदमी हूं, मुझे अपने अलावा दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। तुम सब में भी मुझे सखा दिखाई देता, तो उसको निकालने के लिए मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं वो करता हूं, जिसमें आप सब ने मेरा नाम बहुत कर रखा है गालियां देने में। धीरे धीरे आप सबके माध्यम से लोग परिचित हो रहे हैं कि गुरजी अब कम बैक। तो कृष्णा कम बैक, तो मुझे जिस नाम से पुकारोगे मैं तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे लिए शशांक हो ना, तुम मेरे लिए सखा हो ना, तुम मेरे लिए हो सके तो मेरे गुरु भी हो जाना। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी सीखने में। और सच कहें, मैं कई बार कह चुका हूं इस चीज को कि मैंने उनसे ज्यादा सीखा है जो ये कहते थे कि आपके पास सीखने आए, उनसे मैंने बहुत सीखा। तो यहां पे जितने भी लोगों के लिए ये संदेश है जो ये समझते हैं कि ये मॉडलिंग कंपटीशन था, मैं उनको बता देना चाहता हूं ये एक अंदर के दबे हुए इंसान को जो आप सबने धार्मिक किताबें और धार्मिक मूर्ताओं के बीच दबा दिया, उसको वापस आवाज दे के निकालने का मेरा काम था। कहते हैं कि बचपन में रोने का कोई मूल्य नहीं है, हर बच्चा रोता है। किसी के लिए रोने का थोड़ा मूल्य है जवानी में, जब किसी से कोई प्रेम होता है। लेकिन सच कहें, दूसरे की खुशी को देख के रोने का जो मूल्य है वो इस दुनिया में सबसे कीमती है।
मुझे किसी के लिए आंसू अब नहीं है। बचपने जैसी मासूमियत तो बचा रखी है, लेकिन आंसू उसमें से हटा दिए। अब अगर मुझे कभी आंसू आते हैं तो तब आते हैं जब किसी को मुस्कुराते देखता हूं, और ये मेरे लिए कीमती पल होते हैं। ये भावात्मक नहीं है, ये कई बार लोग समझेंगे ये भावात्मक है, नहीं, बल्कि जिंदगी के एक गाने को मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतारा है। तीन सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा कीमती हैं, सबसे ज्यादा प्यारी हैं, और मैं कह सकता हूं कि तीनों मेरी जिंदगी में भरपूर हैं, तीनों ही मेरी जिंदगी में भरपूर हैं, और वो जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूं और वो आप सबको दे रहा हूं। तो आप सब लोग जो हैं एक एक करके मेरे पास आएंगे, इधर इधर दोनों तरफ। मैं चाहूंगा कि रावण की तरह, जैसे रावण के 10 सर थे, मेरे भी सर बढ़ते जाएं, लेकिन वो अपने शरीर के साथ बढ़े। तो आप सब लोग यहाँ पे हैं और आप सब लोग यहाँ पे इस कंपटीशन में शामिल हुए और इस परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। मैं वाकई में बहुत ज्यादा जो है वो खुश हूँ, और आप सबसे अगर कोई गलती मुझसे हुई हो इस बीच 2-3 दिनों के बीच जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था, तो मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि मुझे माफ मत करना। तो सभी लोगों को बहुत प्यार, और सभी लोगों के लिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को भरपूर वोट करें, इनकी आईडीज पे पहुंचें, धमाल करें, इनके ठुमकों पे सीटियां मारें, और जिन्होंने जो गलतियां की उन्हें बिल्कुल माफ ना करें, और जिन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया है एक बार आप सबको देखने की जरूरत है कि 2 दिन पहले ये क्या थे और 2 दिन बाद क्या है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद ये लोग कहेंगे बिफोर एंड आफ्टर, इस 2 दिनों से पहले ये क्या थे और इस 2 दिनों के बाद ये क्या बनेंगे। तो यही मेरा संदेश है जो मैं इन सब बच्चों के माध्यम से आप सबको देना चाहता था। थैंक यू।